ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ RCFL रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता हूं, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RCFL बोलते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, ऑपरेटर ट्रेनिंग की निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट 50 है। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए 50 वैकेंसीज निकाली गई है। कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, दोस्तों ये भर्ती महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, प्री एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 25 मार्च 2019 है। क्लोजिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 10 अप्रैल 2019 है, यानी कि 25 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2019 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर पाओगे। जॉब लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र। ऑफिशियल वेबसाइट www.rcfltd.com, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, मैं आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपसे कौन सी योग्यता मांगी गई है। तो दोस्तों, इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपके पास BSc केमिस्ट्री डिग्री या फिर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग की योग्यता होनी चाहिए, जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, तब आप इस पोस्ट पर आवेदन कर पाओगे। एज लिमिट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दी एप्लीकेंट्स मस्ट एंड शुड हैव मिनिमम 27 ईयर, यानी कि मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। इसका मतलब ये होता है कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में है, वो लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु सीमा के बारे में भी बता देता हूँ। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है आयु सीमा के अंदर, और OBC कैटेगरी एंड अदर कैंडिडेट्स को 3 साल की आयु सीमा के अंदर छूट दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, प्री एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अगर आपने तीनों टेस्ट क्लियर कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन फी, यानी कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। OBC जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस के रूप में देने होंगे, और रिमेनिंग जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट्स रह जाते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है, वो लोग फ्री में आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी में आपको बता चुका हूँ कि 50 पद निकाले गए हैं। सैलरी के बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको ₹22,000 से लेकर ₹60,000 पर मंथ सैलरी के तौर पर दिए जाएंगे इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद। अब दोस्तों, मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों, कैसे आप इसमें इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाओगे, इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप अप्लाई उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें फॉर्म फिल होने 25 मार्च से शुरू हो गए, तो अभी जो मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक देने वाला हूं वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो 25 मार्च के बाद एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका यूज करते हुए आप अपना फॉर्म भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखा देता हूं और वहां से भी आपको कुछ जानकारियां दे देता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया। आप यहां पर पोस्ट देख सकते हो और उसके सामने आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। यहां पर दोस्तों आपको कई ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है जो कि फुल टाइम एंड रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क्स, जिसमें आपके 55% मार्क्स हो, तो आप तब इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। एक और ऑप्शन आपको दिया गया जो कि 4 ईयर फुल टाइम एंड रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद 55 मार्क्स, यानी कि आपकी जो परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए, तो भी आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों, बाकी की जानकारी के लिए भी आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। जो वैसे मेन जानकारी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हो, जो कि 50 पद है। SC के लिए 5 है, ST के लिए 5 है, OBC NCL के लिए 14 पद है, UR के लिए 21 पद है, और EWS के लिए 5 पद निकाले गए हैं। एज लिमिट आप यहाँ पर अच्छे से चेक
चेक कर पा रहे होगे और नेचर ऑफ जॉब भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस भर्ती के बारे में। दोस्तों अगर आपको इस जानकारी से संबंधित कोई सवाल पूछना हो या आपका कोई भी सवाल या प्रश्न है वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।